देख रहे हैं ये थाईलैंड का सबसे टॉलेस्ट पगोड़ा है जो कि वॉट अरुण टेम्पल में बना हुआ सेक्शन डेडिकेटेड है ऑन मसाज थेरेपी। हम लोग हमेशा से सोचते हैं कि वाई थाईलैंड में फेमस फॉर मसाज एंड एवरीथिंग। 28.5 मिलियन पाउंड से भी ज़्यादा की वैल्यू रखने वाली वॉट अरुण बैंकॉक की हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स में से एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट बात है। वॉट अरुण का नाम हिंदू माइथोलॉजी में अरुण देवता के नाम पर पड़ा है क्योंकि जब यहाँ पे सुबह सुबह की पहली किरण सूरज की इसके बाहर के डोम पे डलती है तो ये पूरी तरह से चमक उठता है वाइट लाइट में और इसीलिए इसका नाम वॉट अरुण बना है। किंग तास्किन उनका पैलेस यही हुआ करता था। वॉट फ्रग क्यू में जो एमरल्ड बुद्धा है वो भी पहले वॉट अरुण में ही थे, बाद में उनको वॉट फ्रग क्यू वाले टेंपल में ग्रैंड पैलेसेस के साथ ले जाकर रखा गया। काफ़ी इम्पोर्टेंट और बहुत ही खूबसूरत थाई आर्किटेक्चर का नमूना है वॉट अरुण। तो आइए हम मिलकर एक्सप्लोर करते हैं वॉट अरुण। सेंट्रल बैंकॉक से मात्र 10 मिनट की एक्सेस में है ये। क्लूक पे टूर मिलता है हमको जिसमें वॉट अरुण, वॉट फो, चाइना टाउन और वॉट त्रियामित इसका एक वॉकिंग टूर है। आप उसके थ्रू टूर गाइड के साथ भी वॉट अरुण को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आइए हम विजिट करते हैं वॉट अरुण। ये जहाँ मैं खड़ी हूँ ये है मेन विहारा इस टेंपल का और यहाँ से थोड़ा सा आगे जाते ही है ऑर्डिनेशन हॉल। काफ़ी सुंदर सिटिंग पोजीशन में बुद्धा का स्टैचू लगा हुआ है। यहाँ पे मेडिटेटिव पोजीशन है। ग्राउंड से ऊपर लोटस के फूल पे बुद्धा को एम्बार्केशन दिखाई हुई है उनकी, बहुत ही खूबसूरत पोजीशनिंग दिखाई हुई है। सिंबलाइज करता है कि डिस्पाइट सो मेनी वर्ल्डली प्लेजर्स बुद्धा हैज़ रिजन अबव एवरीथिंग एंड सो एज टू यू। इन सारे वर्ल्डली प्लेजर्स से हमें उठकर अपने अंदर का बोधिसत्व हासिल करना है। हर एक टेंपल का एक ही मोटिव है टू फाइंड इनर पीस। और फिर से हम उस टेंपल में देख सकते हैं एक बड़ा सा गोंग और मैं अपने साथ साथ आप तक भी वो वाइब्रेशंस पहुंचाना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि वो पॉजिटिविटी जिसकी मैं खोज में निकली हूँ वो आप तक भी पहुँची होगी। ज़िंदगी के सारे सुख हमें मानसिक सुख देने के लिए हमें चाहिए होते हैं पर उन सुखों को हासिल करने में उस मेंटल पीस को हम खो देते हैं। वॉट अरुण को विज़िट करने के लिए फॉरेनर्स के लिए 100 बाट की टिकट है जिसमें साथ में आपको एक छोटी सी पानी की बोतल मिलती है क्योंकि गर्मी के टाइम पे यहाँ पे धूप में थोड़ा परेशान हो सकता है टूरिस्ट इसीलिए, पर आप परेशान नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे बना हुआ एक छोटा सा कैफेटेरिया और उसी के साथ में एक रेस्टोरेंट, उसके अलावा है यहाँ पे वॉट अरुण के गार्डन्स। ये सारी ब्यूटिफिकेशन इसलिए है मैं आपको बड़ा क्लियर से बताऊं क्योंकि पहले ये पैलेस का एक हिस्सा था, रॉयल पैलेस का रॉयल टेंपल था। तो रॉयल पैलेस के साथ अगर कोई टेंपल बना हुआ है तो उसका अलग ही तरीके से वो टेंपल बना होगा, राजा महाराजाओं की फैमिलियों ने उसको देखना है, यूज़ करना है, विज़िट करना है। तो गार्डन, झरने, पानी, वो सब है। और वो है एक बोट टूर, वो देखिए वो है एक बोट टूर, वो बोट टूर के थ्रू भी आप वॉट अरुण विजिट कर सकते हैं। तो ये है चाओफराया रिवर और इसके बिल्कुल ठीक सामने सूरत टेंपल वॉट अरुण। बैंकॉक आए हैं तो इसे मस्ट विजिट कीजिएगा, बहुत ही ब्यूटीफुल टेंपल है।
जो मेरे पीछे आप ये पगोड़ा देख रहे हैं, ये थाईलैंड का सबसे टॉलेस्ट पगोड़ा है जो कि वॉट अरुण टेम्पल में बना हुआ है। इस पगोड़ा की क्लॉकवाइज 3 राउंड्स लगाना बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 3 बार क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राउंड लगाने के लिए या परिक्रमा करने के लिए थाईलैंड में बिलीव ये किया जाता है कि जब कोई किसी की डेथ हो जाती है और उसके बाद क्रिमेशन राइट्स के बाद अगर वो मंदिर आते हैं तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। बट अगर हम किसी पॉजिटिव चीज़ के लिए आए हैं, अगर हम अलाइव हैं और हम एक अच्छी चीज़ के लिए आए हैं, तो हमेशा हमें क्लॉकवाइज परिक्रमा करनी है। ये तो हम हिंदू धर्म में भी मानते हैं कि उल्टी परिक्रमा नहीं लगानी। कहते हैं ना, उल्टे चक्कर लगाओगे तो उल्टा ही हो जाएगा। यहाँ भी डिविलियर्स से द्वारपाल खड़े हैं, आप ये देख सकते हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो वो हमें फिर से याद दिलाते हैं कि फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग दैट इज़ डिविलियर्स, वी आर द डेविल्स हियर, लीव योर डेविल्स हियर एंड गो टू हैव पॉजिटिविटी इन योर लाइफ। थाईलैंड के मंदिर में शॉर्ट ड्रेसेस में या शॉर्ट्स में या रिवीलिंग क्लोथ्स पहन के आना अलाउड नहीं है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर के थ्रू बहुत कुछ समझाया गया है। समझने की बात है, छोटी छोटी चीज़ों में बड़े बड़े लेसन्स लाइफ के बताए गए हैं। ये है मेरे पीछे एक बोधि ट्री जो कि बिल्कुल वॉट अरुण टेम्पल के सामने है। बुद्धिज़्म में बोधि ट्री को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए दी गई है क्योंकि बुद्धा ने 7 ईयर्स तक बोधि ट्री के नीचे बैठ के मेडिटेशन की थी। बैंकॉक की इस एक्सप्लोरेशन में मैं एक और इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुकी हूं और वो है वॉट फो, द टेम्पल ऑफ रिक्लाइनिंग बुद्धा। जी हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स ऑफ बैंकॉक में एक और इम्पॉर्टेंट टेम्पल है और वो है वॉट फो। यहाँ पे बुद्धा की रिक्लाइनिंग पोजीशन में बहुत ही ब्यूटीफुल स्टैचू रखा हुआ है जिसमें बुद्धा का सर है एक लोटस के फ्लावर पे और उनकी जो फीट की टोज है वो है बिल्कुल इक्वल। तो आइए विजिट करते हैं एक्चुअल स्टैचू ऑफ रिक्लाइनिंग बुद्धा। वॉट फो टेम्पल 1688 से यहाँ पे बना हुआ है। किंग रामा वन जब यहाँ आए तो उन्होंने पहले सोचा कि मैं पैलेस को यहाँ पे क्रिएट करूँ, बट क्योंकि थाई कल्चर में जहाँ टेम्पल होता है वहाँ पैलेस क्रिएट नहीं किया जाता उस लैंड पे, तो फिर उसके बाद इन्होंने जाके ग्रैंड पैलेस की साइड पे टेम्पल को क्रिएट किया। दीज आर द कॉल चेडीज, ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है चेडीज और ये हैं क्लोंग चेडीज। ये जो बड़ी वाली चडीज होती है, ये स्टूपाज होते हैं, ये फॉर रॉयल फैमिली होते हैं, उनकी बॉडीज़ को यहाँ क्रिमेट करके यहाँ पे मंदिर में रखा जाता है। और ये जो छोटी वाली होती हैं, ये एनीवन कैन क्रिमेट देयर फैमिली मेंबर बाय डोनेशन। टोटल 999 चडीज हैं इस वॉट फो में। यहाँ पे जो मेन ग्रीन चडी है, जो बड़ी वाली आपको दिख रही है, वहाँ पे है बुद्धा फ्रॉम अयोध्या, ही इज बीइंग ब्रॉट हियर। आपको मेरे पीछे 4 शेडीज दिखेंगी। आई डोंट नो कलर आपको अभी समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, मैं इसका क्लियर व्यू आपको दिखाऊंगी। ये आपको मेरे सामने जो 4 स्टूपास दिख रहे हैं, इसमें से जो तो कॉर्नर वन है जिसका डार्क येलो शेड है, दिस इज फॉर किंग रामा 3। जो वहाँ पे मस्टर्ड शेड की है, दैट इज फॉर किंग रामा 2। ये जो ग्रीन वाली है, इसमें है बुद्धा, और सबसे पीछे जो ब्लू है, इसमें है किंग रामा 4। वॉट फो में ये एक एरिया बना हुआ है जहाँ पे आपको ये पिक्चर्स दिखेंगी। इन पिक्चर्स में ये है जैसे संडे, ये है मंडे, ये है ट्यूसडे, ये है थर्सडे, ये है फ्राइडे और वो है सैटरडे। एनीवन हु इज बोर्न ऑन दीज डेज, अगर वो मेल है तो उसके आगे कुछ पॉइंट्स बने हुए हैं, फीमेल है तो कुछ पॉइंट्स बने हुए हैं। तो ये बताया हुआ है कि अगर आप इस डे को बोर्न है तो इन पॉइंट्स और बॉडी पे आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है लाइफ में। और उसके साथ में ये एक ब्लैक कलर का बोर्ड है जिसमें कि मेडिसिंस लिखी हुई हैं उसको क्योर करने की। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि वो मेडिसिंस उन हर्ब्स से बनती है और वो हर्ब्स का गार्डन ये बहुत ही ब्यूटीफुली उन हर्ब्स का गार्डन बनाया गया। इस सेक्शन को ये लोग पूरी तरह से कहते हैं
स्कूल ऑफ मसाज एट वॉट फोर बैंकॉक। तो आज तक हमारे जितने भी मिथ थे या जो भी गलत फहमियाँ थी कि वाई इज़ बैंकॉक फेमस फॉर मसाज या वाई इज़ थाईलैंड फेमस फॉर मसाज, बिकॉज उनके कल्चर में जो पिछली हिस्ट्री है वहाँ उनको पढ़ाया गया, समझाया गया, और उनके कल्चरल हिस्ट्री को हिस्टोरिकल बुक्स में वो सारे पॉइंट्स और किस तरह से उन पर प्रेशर डालना चाहिए, कौन सा पॉइंट कब दुख रहा है, तो ये सारी चीज़ें उनके कल्चर में है। दैट इज़ वाई मसाज बिकेम सो पॉपुलर इन बैंकॉक। और अब मैं यहाँ से एंटर कर रही हूँ द प्लेस वेयर वी कैन फाइंड रिक्लाइनिंग बुद्धा। बहुत ही डिफरेंट चीज़ें, वैसे तो हर जगह पे हमने अपने जूते उतार के रैक पे रखे हैं, पर यहाँ पे हमको मिला है ये बैग, और जिसमें हमें अपने शूज़ अपने कंधे पे टांग के अंदर मंदिर में जाना है। दिस रिक्लाइनिंग बुद्धा इमेज इज बिल्ट इन 1832। द थर्ड लार्जेस्ट इन थाई। ओके, एंड दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट इन थाईलैंड। And you can see the eye is not closed. Yeah, eye is not closed. He is just relaxing. He is just relaxing. He is not sleeping. Yes. And this Buddha image is long, 46 meter long. Okay. And 15 meter high. Okay. The Buddha image is built first, और उसके बाद ही ऊपर की पूरी building बनाई गई है। Obviously बात है, इतनी बड़ी Buddha की image बनाने के बाद ही बिल्डिंग बनेगी, नहीं तो इस बिल्डिंग को बनाने के बाद बुद्धा की इमेज को अंदर लाना ही नामुमकिन था। इतनी बड़ी इनॉर्मस बुद्धा इमेज है, और आप ये देख सकते हैं यहाँ है बुद्धा के फीट, यहाँ बुद्धा के फीट में पूरा का पूरा यूनिवर्स डिस्क्राइब किया गया। दिस इज अर्थ इन द बिगनिंग, देन इज माइथोलॉजिकल वर्ल्ड जो हम भगवान के बारे में सब सुनते हैं, दैट इज हेवन द एक्चुअल गॉड। मैं अब आ गई हूँ ऑर्डिनेशन हॉल में, और यहाँ पे है ये आउटसाइड गैलरी जिसमें मैं खड़ी हूँ, और यहाँ से अंदर जाने पे है इनसाइड गैलरी। अब मेरे पीछे देख सकते हैं कि बुद्धा की इमेजेस लगी है यहाँ भी और यहाँ भी। अगर हम इनसाइड और आउटसाइड गैलरी की टोटल इमेजेस को जितनी भी इमेजेस इनको काउंट करें, तो दिस इज़ एक्चुअली 394 इमेजेस ऑफ बुद्धा विच आर बीइंग प्लेस्ड इन इनर गैलरी एज वेल एज आउटर गैलरी ऑफ दी ऑर्डिनेशन हॉल। और अब मैं आ गई हूँ इनसाइड गैलरी में, और यहाँ पे जो बुद्धा की इमेजेस हैं वो थोड़ी बड़ी है साइज में एज कंपेयर टू द आउटसाइड गैलरी, और ये है मेन ऑर्डिनेशन हॉल जिसमें मैं एंटर कर गई हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं चलती जा रही हूँ तो इनसाइड गैलरी में सारे के सारे बुद्धा इमेजेस मेरे सामने लगे हुए हैं। और अब मैं आके खड़ी हूँ मेन ऑर्डिनेशन हॉल के बाहर, जहाँ पे है बुद्धा की वो इमेज जो कि 500 से भी ज़्यादा साल पुरानी है और अयोध्या से यहाँ पर लाई गई है। तो चल के देखते हैं बुद्धा की 500 साल पुरानी इमेज को। और जो बुद्धा की जो मूर्ति है उसके नीचे एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे किंग रामा फर्स्ट के रिलिक्स हैं, और यहाँ पे ये सामने एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे बैठ के मॉन्क्स प्रेयर करते हैं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये है वॉट फो मसाज ट्रीटमेंट सेंटर प्लस वॉटफू थाई ट्रेडिशनल मेडिकल स्कूल। अगर आप मेडिक मसाज ट्रेडिशनली थाई कल्चर की लर्न करना चाहते हैं तो उसके लिए स्कूल है, और ये खुलता है 8 AM से 7 PM तक, और लास्ट ऑर्डर ये 6 PM तक लेते हैं मसाज सेंटर का। वहाँ से निकल के जा रही हूँ वात्रिया मिथ विच इज़ द गोल्डन बुद्धा एट चाइना टाउन। तो यहाँ से मिलते हैं वात्रिया मिथ पे फटाफट से। मेरे पीछे है वात्रिया मिथ इन चाइना टाउन बैंकॉक। वात्रिया मिथ वो मंदिर है जहाँ पे है असली गोल्डन बुद्धा। जो गोल्डन बुद्धा का स्टैचू है यहाँ पे, वो एक्चुअली एक प्लास्टर से कवर्ड था। जो लोग उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे थे अयोध्या से यहाँ, उन्हें भी नहीं पता था कि वो एक गोल्डन बुद्धा है। बाई चांस ट्रांसपोर्टेशन में उनसे वो टूट नीचे गिर गया और सारा प्लास्टर टूट गया। उसी के बाद उन्हें पता लगा कि इसके अंदर है गोल्डन बुद्धा।
आज जो हम गोल्डन बुद्धा देख रहे हैं वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ही मौजूद है। तो आइए देखते हैं गोल्डन बुद्धा एट वॉट त्रियामित चाइना टाउन। गोल्डन बुद्धा की जो इमेज इस टेंपल में है वो लार्जेस्ट इमेज है थाईलैंड में बुद्धा की। सुखोथाई स्टाइल में बनी हुई इमेज बहुत ही ब्यूटीफुल है। गोल्डन बुद्धा की ये इमेज 12.5 मीटर वाइड और 15 मीटर हाइट में है, जिसका वजन है 5.5 टन्स। और ये ओरिजिनल गोल्ड से बनी हुई गोल्डन बुद्धा की ओनली इमेज है इन थाईलैंड। 28.5 मिलियन पाउंड्स से भी ज़्यादा की वैल्यू रखने वाली, 700 साल से भी ज़्यादा पुरानी, बहुत ही वैल्यूएबल एंड प्रेशियस मॉन्यूमेंट है ये थाईलैंड का और बुद्धिज़्म का। तो आइए मिलकर देखते हैं इतना ही वैल्यूएबल मॉन्यूमेंट अपनी आँखों के सामने से। मूर्ति के साथ साथ उस प्लास्टर के अवशेष भी हमें यहाँ देखने को मिलते हैं इस टेंपल में। उसी के बाद पता लग पाया कि ये मूर्ति प्योर गोल्ड से बनी हुई है। इसकी वैल्यू, इसका वजन सब उसी के बाद आका गया। और यही है वो टेंपल वॉट त्रियामित जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ। और यही है गोल्डन बुद्धा की वो अमूल्य स्टैचू। यहाँ पे लगी हुई हैं ये विशिंग बेल्स। ऐसा कहा जाता है कि विश मांग के इस बेल को रिंग करना होता है और वो विश पूरी हो जाती है, और वो है द विशिंग गोंग। आज से सालों पहले वो गोंग बजा के लोग अपनी विश पूरी किया करते थे। उस गोंग को तो काफ़ी प्रोटेक्ट करके रख दिया गया है, पर उसके आगे लगा दी गई है विशिंग बेल्स। और ये है गोल्डन बुद्धा की वो मूर्ति। बैंकॉक की इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशंस में से एक डेस्टिनेशन चाइना टाउन भी है। अगर आप आए हैं बैंकॉक एक्सप्लोर करने और बैंकॉक घूमने, तो बिना चाइना टाउन आए बैंकॉक को घूमना होगा अधूरा। चाइनीज़ कम्युनिटी का ये टाउन, ये डिस्ट्रिक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेलिवेंट स्पॉट है इन बैंकॉक। और यहाँ पे आपको मिलेंगे चाइनीज़ फूड के ऑप्शंस, चाइनीज़ शॉपिंग और चाइनीज़ टेम्पल्स। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क्स जो चाइना टाउन का है वो है वॉट त्रियामित। बिल्कुल जस्ट वॉट त्रियामित के ऑपोजिट है चाइना टाउन बैंकॉक की वॉकिंग स्ट्रीट। अपने आप में ही अजीबोगरीब दुनिया है ये चाइना टाउन। चाइनीज़ लोगों ने यहाँ पे अपनी कम्युनिटी बना के पूरा एरिया एक्वायर करके चाइना टाउन के नाम से पूरी एक डिस्ट्रिक्ट बैंकॉक में बनाई हुई है। चाइना टाउन की अपनी एक ख़ास पहचान है। यहाँ की स्ट्रीट्स पे आपको चाइनीज़ लैंटर्न के फॉर्म में बहुत ही ब्यूटीफुल डेकोरेशन जब दिखती है तो हमें पता लग जाता है कि हम कहीं और नहीं चाइना टाउन में हैं।